वेलकम टू शाइनी कलर्स फाइन आर्ट क्लासेस। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। वेलकम टू शाइनी कलर्स फाइन आर्ट क्लासेस एवरीवन, दिस इज रश्मि हियर एंड मैं वापस आ गई हूँ आपके साथ फ्राइडे फन टिप के साथ। मुझे फीडबैक मिलते हैं कि आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कमेंट में बताइएगा जरूर कि मैं किन और नए टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं। मुझे कुछ एनिमल्स पे भी वीडियो बनाना है, एनिमल्स फर पे, तो वो उस पर भी मैं जरूर डालूंगी अपने कमिंग वीडियोस में। आज मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं हेयर को लेके वीडियो बनाऊंगी, तो आज मैं लेकर आई हूँ कैसे हेयर हमें ड्रॉ करना चाहिए। हेयर कभी भी वन बाय वन करके ड्रॉ नहीं होते, हमेशा हेयर को ऐसे एज अ फुल फॉर्म, बिगर फॉर्म की तरह हमें ड्रॉ करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं पेंसिल भी बताऊंगी, चारकोल भी बताऊंगी, पेस्टल भी बताया है ड्राई मीडियम से, कलर भी कैसे ऐड करना है वो भी मैंने बताया। वीडियो को पूरा देखिएगा, जरूर स्किप मत करिए और बने रहिए मेरे साथ। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो को और स्टार्ट करते हैं कि हम हेयर को कैसे बनाएं। तो चलिए हम हेयर का एक फॉर्म रेडी कर लेते हैं। ये मैं बैक साइड से हेयर बना रही हूँ। आगे मैंने फेस भी कंस्ट्रक्शन किया है और पूरे फेस वाला फ्रंट फेस का हेयर भी बनाया है। तो यहाँ देखिए मैंने क्या किया है, सारे जो हेयर के अलग अलग हेयर लॉक्स हैं उनको मैंने अलग कर लिया और अब वन बाय वन एक एक हेयर लॉक बना रही हूँ। तो उन हेयर लॉक्स के बीच का जो स्पेस है वो भी हमें ध्यान रखना है। उनके हेयर लॉक्स के बीच में से जो हेयर हम देख रहे हैं, जो अंदर वाले हेयर हैं, उनकी लेयरिंग भी मैंने इसमें बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। वो सारे नेगेटिव स्पेस से बनते हैं। यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा मैंने अपनी स्पीड को लो किया है, ये नॉर्मल स्पीड पे मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ तक मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में किया। आप देख सकते हैं कि एक एक हेयर लॉक पे मैंने काम किया है उसको 3D शेप देने के लिए, उसको बराबर से फ्लो किया और मैं क्रॉस हैचिंग कर रही हूँ। मैं ऐसे वन बाय वन नहीं कर रही हूँ, आप देख सकते हैं कि मेरा जो स्ट्रोक है वो हैचिंग है। एक एक बाल करके हमें नहीं बनाना है। अगर हम एक एक बाल करके बनाएंगे तो फिर वो बात नहीं आती। तो ये देखिए इस तरह से हमें अपनी हैचिंग करते हुए जो बिगर फॉर्म है, लाइट और शेड जिस तरह से बालों पे पड़ रही है उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। ज़्यादातर मेरे स्ट्रोक्स वर्टिकल हैं, पर जो वन बाय वन हेयर करके अगर आप बनाएंगे तो ये जो वॉल्यूम है हेयर का वो नहीं दिखाई देगा आपको, ऐसे हेयर फ्लैट जैसे दिखेंगे। तो ये वॉल्यूम दिखाने के लिए हमें लाइट एंड शेड पे ठीक से काम करना होता है। जब लाइट एंड शेड ठीक से हम ऑब्जर्व करते हैं, बना पाते हैं, तो हमारे कोई भी फॉर्म, चाहे हम बाल बनाएं या फिर हम फेस बनाएं, वो 3D दिखाई देने लगता है। उसमें वॉल्यूम दिखता है, उसमें शेप दिखाई देता है। तो इस तरह से हमें हेयर को बनाना है। आप देखिए कितने ब्यूटीफुल हेयर आए हैं। थोड़े से हम जो डार्क वैल्यूज हैं उनको भी ठीक से कर लेते हैं। देखिए ये बैक साइड वाले हेयर डन। चलिए फ्रंट साइड वाले हेयर भी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने फेस का कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी कर लिया है। अगर आपको फेस का कंस्ट्रक्शन देखना है, मैंने कई वीडियोस डाले हैं फेस के कंस्ट्रक्शन के ऊपर, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दूंगी, आप प्लीज़ देख लीजिए। मेरे चैनल पर भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ मैं स्टार्ट करती हूँ हेयर। तो हेयर पे मैंने एक पूरा वॉश किया है। ध्यान रखिए क्योंकि हेयर का जो कलर है, मैं हमेशा बोलती हूँ हेयर में जो वैल्यू है वो हमेशा डार्क होती है, क्योंकि बाल हमारे डार्क कलर के हैं, स्पेशली इंडियन कलर। अगर हम ब्लॉन्ड हेयर नहीं बना रहे हैं तो हमें बालों को पहले डार्क करना है, फिर उसमें और वॉल्यूम देने के लिए और डार्क करना है, क्योंकि जो बाल हैं उनकी जो डेप्थ है वो काफ़ी डार्क होती है और जो शाइन है वो थोड़ी होती है कुछ जगहों पे।
जहाँ पे वो फोल्ड हो रहे होते हैं, या फिर हेड पे पूरा जो लाइट पड़ रही होती है वहां पे शाइन होती है। पर इस वाले हेयर में आप देखेंगे ये छोटे हेयर हैं कटे हुए, तो इनमें डिफरेंट तरह की शाइन है जो कि लास्ट वाले हेयर में नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे हम डिफरेंट छोटे हेयर लॉक देखेंगे और उनमें कर्ल भी हैं, फोल्ड भी हैं। इस वीडियो के बाद मैंने कर्ली हेयर भी बताए हैं, वो भी जरूर देखें। तो इसमें ऑलमोस्ट सिमिलर तरह के स्ट्रोक्स हैं जो मैंने पिछले वीडियो में दिए थे। चलिए हम थोड़ी देर देखते हैं कर्ली हेयर के बारे में भी। तो यहाँ देखिए, मैं कर्ली हेयर यहाँ पे बना रही हूँ। कर्ली हेयर बनाने के लिए भी वही, पहले हमें पूरे बालों को डार्क करना है, फिर एक-एक कर्ल, यहाँ पे एक-एक कर्ल हमें इस तरह से बनाना है। फिर उसके बाद जो उनके फोल्ड्स हैं उनको ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि पूरे फोल्ड में कौन से साइड में लाइट पड़ रही है और कौन सा साइड डार्क है। तो उस हमें ऑब्जर्वेशन को अप्लाई करना है हमारे ड्राइंग में, स्केचिंग में। और देखिए यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट कर्ल्स हैं उनमें देखिए डिफरेंट शाइन जो पड़ रही है उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो देखिए जल्दी से हम फेस को पूरा कर लेते हैं सो दैट हम हेयर का पार्ट भी देख पाएंगे। यहाँ एक जो हेयर लॉक है जो फेस पे आया हुआ है उसकी शेडो फेस पे पड़ रही है, तो हमें उसकी शेडो भी बनानी है, तभी हम उसको 3D लुक दे पाएंगे। और अब हम इस साइड के हेयर पे आ जाते हैं, और इस साइड के हेयर थोड़े बड़े हैं राइट साइड के, उनमें थोड़ा सा ज़्यादा वॉल्यूम है कंपेयर टू लेफ्ट साइड। तो हम क्विकली वहां आते हैं, साथ साथ मैं अपने फेस को भी पूरा करते चल रही हूँ कि हेयर बनने के बाद फेस भी हमारा पूरा दिखाई दे। जो थोड़ा हेयर अंदर करेक्शन है फेस को वो भी मैं करते चल रही हूँ। ये देखिए मैंने जो कॉलर बोन है जिसे क्लेविकल्स भी कहते हैं उनको मैंने बना लिया है, और जो नेक है उसको भी मैंने थोड़ा फॉर्म दे दिया है। अब मैं आ जाती हूँ हेयर पर, और ये देखिए हेयर की जो डेप्थ है वो मैंने क्विकली दी, और साथ साथ डेप्थ करते हुए मैं बालों का जो फॉर्म है उसको भी मैं पूरा ध्यान रखे हुए हूँ कि जो बालों का ओवरऑल फॉर्म, देखिए ओवरऑल फॉर्म पहले हमें बनाना है, उसके बाद ही हमें कर्ल्स बनाने हैं। देखिए अब मैं छोटे छोटे कर्ल्स बना रही हूँ, और एक एक कर्ल, एक एक फॉर्म मैं कंस्ट्रक्ट करते हुए लाइट और शेड का भी वापस बराबर ख्याल रख रही हूँ कि जहाँ डार्क है वहाँ हमें डार्क देना है और जहाँ लाइट है वहाँ हमें लाइट देना है। बीच में हेयर लॉक्स के बीच का जो गैप है वो भी काफी डार्क होगा, उसको भी हमें देना है। यहाँ पे मैंने पेस्टल से दिखाया है आपको कि हम कलर्स कैसे डालें बालों में। तो देखिए शाइन, क्योंकि जो बाल है, बाल होते हैं डार्क, पर उनमें जो शाइन पड़ती है वो अलग-अलग कलर की पड़ती है। तो आप देखिए मैंने ब्लू और ब्राउन कलर डाला हुआ है बालों में जहां पर शाइन है, और जहां डार्क है वहां पे मैंने ब्लैक ही लिया। ये पेस्टल है, ड्राई पेस्टल। ये मैं काजोल बना रही हूँ, और देखिए जो बाल हैं, बालों को शाइन देने के लिए लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए। यहाँ भी जैसे पेंसिल में हमें हेयर लॉक्स का ख्याल रखना होता है, वैसे ही हमें पेस्टल में भी हेयर लॉक्स का ख्याल रखना होता है। डिफरेंट डिफरेंट कलर डालने के बाद अब मैं लाइट से उनको मिक्स करूंगी और हाईलाइट व्हाइट से दूंगी। एट लास्ट जब व्हाइट से देते हैं तो वो जो कलर हमने डाले वो शाइन करते हैं। देखिए कितने ब्यूटीफुल हेयर आए हैं।